ये जो आप देख रहे हैं इसी रास्ते से हम लोग अभी कवर करेंगे राजगीर की तरफ, और ये साइड का जो रोड देख रहे हैं उधर से हम लोग गया के साइड से आए हैं, और ये वाला जो रोड जा रहा है ना, ये वाला रोड आपको चला जाता है वजीरगंज, लेकिन यहाँ पे से हम लोग यहाँ से कटे हैं, और ये कटने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे। और ये हमारी बाइक अभी चल गई है 16 किलोमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं इसी बाइक से हम लोग जाने वाले हैं, कवर करने हैं। ये जो रूट देख रहे हैं ये जेठियन है, लोकेशन नंबर दूसरा है, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं राजगीर, गया टू राजगीर जा रहे हैं, तो ये लोकेशन दूसरा है। पहला लोकेशन को मैंने आप लोगों को दिखाया जो था वो गहलौर, तो गहलौर घाटी का भी अपना एक अलग कहानी है, उसे आप लोगों जो है गूगल बाबा से सर्च करके आप उसका जानकारी ले सकते हैं। इसका यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे एक व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, यहाँ पे ये हिली एरिया है और थोड़ा सा तीखा मोड़ यहाँ पे है। तो इसके बाद जो है हम लोग पहुँचेंगे राजगीर। राजगीर में इस वीडियो में आप ग्लास ब्रिज देखेंगे, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं और क्या एंट्री फी है और कैसा ग्लास ब्रिज है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो है एक स्थान पर एक ही है अभी तक जो है पहली बार इंडिया में ग्लास ब्रिज लगाया गया, ओपनिंग कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो उसी को हम लोग जो है देखने के लिए जा रहे हैं। तो गहलौर घाटी को आप लोगों ने अभी देख लिया है, इसके बाद जेठियन घाटी भी देख लिया है, इसके बाद जो है जैसे इन करेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, और इन करने के बाद जो है आपका कुछ एंट्री फ़ी लगता है, वहाँ पर पार्किंग करके आप एंट्री फ़ी दे करके इन कर सकते हैं। इन होते ही आपको वहाँ पर एक बस सर्विस दिया जाएगा, वहाँ 10 मिनट का टाइम लगता है, वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, और वहीं से आपका जो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं टिकट ले सकते हैं, और टिकट लेने के बाद वहाँ से आप पैदल जाएंगे, वहाँ पे ग्लास ब्रिज देख सकते हैं। ग्लास ब्रिज के जस्ट बगल में फिर है आपका सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये मशरूम रॉक जैसा जो है चट्टान का कटिंग किया गया है, एक ही है, रास्ता में एक और दिखा था तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो वीडियो को इन्जॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यह पहला ब्लॉग है, नेक्स्ट पार्ट टू आएगा, उसमें सस्पेंशन ब्रिज और रूप का उसमें दिखाया जाएगा, और भी जो था साइकिलिंग का वहाँ पे जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ चुका था, तो हम लोग ने इन्जॉय नहीं कर पाया जीपीएस सब का, तो आप लोग जाइएगा तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
ये नेचर सफारी का टिकट है 50 का एक, और ग्लास ब्रिज का टिकट भी आपको इसी तरह का मिलेगा। ये लेने के बाद यहाँ पे जो काउंटर पीछे आप देख रहे हैं, और पीछे जो काउंटर देख रहे हैं यहाँ पे, वो लेने के बाद ना आपको एक्सचेंज का कर दिया इस तरह का कर दिया जाएगा। फोटो निकाल लेंगे, चार देखिए दूर से आदमी आ रहा है देखने के लिए, कम से कम दो मिनट तो रहने दीजिए। सही बात है, वो भी यहाँ पर आ रहा है भाई अपना सेल्फी। सही बात है, ये देख सकते हैं दो तक है यहाँ पे, ज्यादा गर्म तो यहाँ पे नहीं लग रहा, मैंने सॉक्स पहन रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ, ये देख सकते हैं ग्लास ब्रिज यहाँ पे नीचे में है, और ये वहाँ तक आगे तक है, हवा चल रहा है ठंडा सही आ रहा है। तो चलिए आगे और देखते हैं, और नीचे का नज़ारा मैं दिखाता हूँ, या ग्लास ब्रिज से देख सकते हैं नीचे किस तरह से देख रहा है। नीचे देख रहा हो तो मुझे डर लग रहा है, सामने देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे देख रहा हो तो मुझे डर लग रहा है। आप देख सकते हैं नीचे में हवा यहाँ पे बहुत अच्छा चला, दोनों तरफ खाली है, यहाँ पे ठंडा लग रहा है, के बाद इतना गर्मी लग रहा था, अच्छा एहसास लग रहा है यहाँ पे हो रहा है। कि वहाँ पे बाहर में कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे लाव नहीं है, जूता जूता तो लाव नहीं है, बट मोजा लाव है, मोजा पहनने के बाद ज़्यादा गर्मी तो नहीं पता चल रहा। सही है, आप नीचे में देख सकते हैं, नीचे देखने पर थोड़ा डर लग रहा है, आप नीचे नहीं देखेंगे तो डर नहीं लगा था, जिनको डर लगता तो कृपया नीचे ना देखें, अपने दाएं बाएं देखते रहें। तो अपने दोस्त संजय से पूछते हैं, क्या संजय क्या मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मतलब यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे लाइफ टाइम लाइफ टाइम अच्छा हिल भी रहा है, हिल रहा है, ओह ये हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। फोटो आप क्लिक करता हूँ, इफ यू क्लिक तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास ब्रिज घूम लिए, ग्लास ब्रिज जाने का रास्ता है यहाँ पे,
ये ऊपर में यहाँ पे जाने का रास्ता है और हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे रेंजर अभी कार्ड डालेगा, कार्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पे कार्ड डालने वाला है और यहाँ पे वो देखिएगा रेंजर कार्ड डालो ये खुलेगा, यहाँ पे मैं अपना कार्ड डाल रहा हूँ, किधर से भी डालना है भैया, आप किधर साइड से भी इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे डालने के बाद इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, बाहर निकल जाइए। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जूता खोला था और यहाँ पे अभी बैग लेंगे, तो यहाँ पे कार्ड मुझे मिला था 70 नंबर का, देख सकते हैं, ले लीजिए भैया कार्ड। और यहाँ पे फिर मुझे बैग और हेलमेट अपना मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पे।